और इससे क्या अलग सकता है, मतलब मिलता हूँ इसको खा क्या। हमारे जो कुछ मतलब बीच में हमारे कुछ लोग होते हैं। इसको बोलते हैं देसी दवाई हमारे, इसको बोलते हैं हमारे देसी दवाई, ये है दाड़ू। और ये अनार का खट्टा ही, एक अनार की तरह ही होता है, अनार थोड़ा बड़ा होता है साइज में और ये छोटा छोटा होता है। और ये अनार मीठा होता है और ये खट्टा होता है खाने को। अनार से क्या एनर्जी एनर्जी मिलती है और इससे क्या अलग सकता है, मतलब इससे एक खा लेंगे ना आप इसको, तो आपको जो है मतलब फिर नींद से कोई नहीं बचा सकता। फिर मतलब 8 बजे उठते हैं आप, 10 बजे भी उठ सकते हैं, ऐसा होता है इसका। और इसमें हड्डियों में इसका जैसे रस जैसी बीच जाता है अंदर, चिंकी साउंड आती है हड्डियों से कई बार जब रस उठते हैं आप सो के, तो इसका अपना मज़ा आता है खाने का। तो आज मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ उसको पहली बार, तो देखते कैसा बना हुआ है। बहुत खट्टा है, इतना ज़्यादा खट्टा है, सबसे ज़्यादा आँख बंद हो जाती है मेरी एक वही खाने पे। और ये देखिए हम नमक मिर्ची जो कि हमने बनाई थी खीरा खाने के लिए, मतलब हमारे खीरा नहीं होता, हमारे काकड़ी होती है। और खीरे से वो कई गुना बड़ी होती है, 4 5 5 6 6 गुना बड़ी होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी होती है साइज में। इस बार तो लगी नहीं क्योंकि इस बार गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ गई, उसकी वजह से जो इस बार लगी नहीं, बाकी अभी लगेगी थोड़ा टाइम बाद। लगी हुई है पर इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई, इसलिए हमने मिक्सर बना के रखा था पहले ही। और इसको हिमाचल में या उत्तराखंड में जैसे इलाकों में खाते हैं जिनके काकड़ी वगैरह या खीरा वगैरह होता है, तो मतलब काकड़ी खाने से मज़ा, काकड़ी के हाथ हल्का मज़ा आता है। तो काकड़ी कहती है जब पक जाती है ना वो लाल हो जाती है, पहले तो हरी होती है, फिर जब पकेगी हो तो लाल हो जाती है बिल्कुल, तो उसको खाने का मज़ा अपना ही मज़ा आता है उसमें। तो वो चीज़ जो है ना आप मिसिंग करते हैं जब आप मतलब बाहर रहते हैं, तो वो चीज़ बहुत मिसिंग होती है। जैसे दाड़ू बन, इसका खाने के लिए तो बहुत मतलब टेस्टी लगता है, खट्टा भी लगता है, पर इसका एक ही साइड इफेक्ट है, बस सुबह नहीं उठ सकता आदमी, फिर मतलब सुबह फिर उसका काम हो गया फिर सुबह के लिए। तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से निकालते हैं, कौन से पेड़ में होते हैं दाड़ू के, और अलग अलग पेड़ होते हैं, जैसे अनार के पेड़ होते हैं बस उसी की तरह होते हैं, पर अनार में क्या होता है अनार के प्लांट छोटे होते हैं और दाड़ू के प्लांट जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनमें क्या होता है कि दाड़ू में जो कांटे वगैरह होते हैं ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अनार में, अनार में भी होते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं होते जितने उसमें होते हैं दाड़ू में। तो दाड़ू की वैसे मेडिसिन पर्पज़ के लिए देखा जाए तो उसकी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं और काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है, मतलब बहुत महंगा बिकता है। मतलब आप जैसे लाल कलर का हो ना बिल्कुल, तो ये 500 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। अभी अभी जैसे ये अभी इसमें पानी भरा हुआ, जब सूख जाएगा तो इसकी जो हड्डी वगैरह में ना जो इसके अंदर का शेल टाइप का होता है, तो इसके अंदर शेल टाइप में भी पानी घुस जाएगा, मतलब वो जो ऑब्जर्व वो सूख के बिल्कुल साथ में हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी इसको ब्रेक करके, ये देखिए ये है, ये देखिए आप इसको इसको देखिए, अब ऐसा होता है लास्ट में जब सूख जाएगा बिल्कुल, तो अंदर वाला हिस्सा इसका सूख जाता है, तो ये काफ़ी टेस्टी होता है खाने के लिए। बाकी टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको, और ज़रूर टेस्ट करिए इसको, खाना जरूर चाहिए एक बार, क्योंकि अब लग रहा है पता कि हाँ, क्योंकि एक दो बार खा ली ना उसके बाद मस्त आ जाता है फिर। बाकी मिलता हूँ इसको खा के, हमने कर लिया फिनिश इसको खा के, अब देख मेरे को ऐसी नींद आ रही है, मैं ऐसा लगता है कि जाके सीधा सो जाऊँ, तो इतनी ज़्यादा नींद आती है इससे खाने के बाद। टेस्ट भी आता है पर मतलब जो नींद है ना आपको ऐसा लगता है सुकून भी सुकून मिल गया ये खा के, बाकी नींद आती है इसके बाद ना अल्टीमेट वाली जो मैं आपको बता रहा था, काकड़ी, काकड़ी जब पक जाती है तो खट्टी हो जाती है बिल्कुल, तो ऐसी जैसी ये खाते हैं ना ऐसी होती है खट्टी बिल्कुल, उसका जो मज़ा आता है ना एक पीस खा लेंगे ना आप उसका एक पीस ही वो सफिशेंट होता है, आपको जरूरत नहीं उसके बाद खाने की, उसका ऐसा मतलब क्रेज सा होता है हमारे लोकल काकड़ी का, तो मज़ा ही आ जाता है खा के, मतलब बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, कम से कम 3 3 4 4 5 5 किलो की होती है, 5 5 किलो की एक भी होती है। तो अगर आपको कभी हिमाचल आए तो ज़रूर टेस्ट करें उस चीज़ को, जो मेरी वीडियो बाहर से देख रहा होगा, जो हिमाचल से देख रहा होगा उसको तो वो तो खाते खाता है ना, उसने टेस्ट किया ही होता कभी ना कभी, बाकी जो देख रहा है बाहर से उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन कि ज़रूर एक बारी मतलब ट्राई करें। आपको सितंबर अक्टूबर में ही मिलती है, अगस्त सितंबर में ही मिलती है, मतलब ये ज़्यादातर टाइम उसके बाद तो फिर ऐसी है जो कोई मतलब खाता नहीं है तो पेड़ में लटकी हुई तभी।
बाकी कई उसको क्या करते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन खाते हैं, मतलब उसको राख के बीच में दबा के रखते हैं, जिससे जो है खराब नहीं होती उसकी। तो ऐसी चीज़ें, बाकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। बाकी हमारे जितना पहले फॉरेस्ट लैंड है उस समय में पहले यही दाड़ू होता है, अब तो लोगों ने काट कूट के मतलब फॉरेस्ट लैंड को प्रॉपर्टी बना दिया और प्रॉपर्टी जो है फॉरेस्ट लैंड बन चुकी है, तो उसकी वजह से ख़त्म हो गया फॉरेस्ट सारी, और जितनी भी ये फुल्लकड़ी वगैरह बोलते हैं ना हमारे, वो ज़्यादा हो चुकी है, और आने वाले 10 सालों में आप हमारा जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करे, ताकि जो हम अपने नेचर्स को बचा सके। कुछ लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ उसमें जो लोग होते हैं वो मतलब उनको डैमेज करने की कोशिश करते रहते हैं, तो मतलब आप उनको कह नहीं सकते। कुछ जो लोग होते हैं हमारे, जो कुछ मतलब बीच में हमारे कुछ लोग होते हैं, आपके भी होंगे, वो मतलब फॉरेस्ट लैंड को भी प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी हेल्प तो करने की, दूर की बात छोड़िए, वो उसको ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, या मतलब ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमने करना था। तो मतलब ऐसी भावना ना करनी चाहिए, अगर कोई प्रिजर्व करने की कोशिश करा तो उसमें हाथ बटाना चाहिए, ना कि उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि तुमने क्यों लगाया या तुम क्यों कर रहे हो। तो हमेशा साथ देने, और बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज भी फॉलो करना ना भूलें, वहाँ मैं बहुत अच्छी फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत बहुत सब अपडेट देता रहता हूँ। यूट्यूब पे देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब उसमें कम्युनिटी पोस्ट ही आती है सिर्फ, तो कम्युनिटी पोस्ट में कितना सा आपने मतलब बता ही लेना। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो सा आप लाइव अपडेट दे सकते हैं वहाँ पे, और बाकी मैं सोच रहा था कि एक दिन लाइव अपडेट दूँ, वीडियो को आपको लाइव दिखाऊँ, देखते हैं कभी मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे, ट्राई करेंगे। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक रहना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।